तो आज हम बात करेंगे कि मैंने अपने नए इंस्टाग्राम अकाउंट पे 25 दिनों के भीतर कैसे 1,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स को गेन किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है सत्यांश और मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ मुंबई में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आपको यहाँ मिलने वाली है बहुत सारी मनी मेकिंग टिप्स, बहुत सारा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के रिलेटेड बहुत सारे टिप्स, आप सोशल मीडिया के रिलेटेड बहुत सारे टिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो और वो जो बेल वाला आइकॉन है उसे भी प्रेस करो क्योंकि आपको आगे की सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तो आज का टॉपिक है कि कैसे मैंने 25 दिनों के अंदर 1,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स गेन किए इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। अभी आपको जैसे पता है कि इंडिया में कैसा लॉकडाउन चल रहा है, सारे बिजनेसेस पे इफेक्ट है, पूरी की पूरी इकोनॉमी नीचे आई हुई है। उसका असर कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस पे भी है क्योंकि मेरे जो मेन बिजनेस है, मेरे जो मेन क्लाइंट बेस है वो यहाँ के रेस्टोरेंट है, फूड बिजनेस ज़्यादातर है, कुछ जिम्स है, कुछ सलोन है, स्पा है, ये मेरे पूरे क्लाइंट बेस है। और लॉकडाउन के कारण मेरी पूरी की पूरी क्लाइंट बेस, मेरी पूरी की पूरी बिजनेस अभी बंद है क्योंकि सारे क्लाइंट्स लोग का भी आउटलेट बंद है। तो मार्केटिंग कराने का कोई अभी मतलब ही नहीं है। अब जब जैसे लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद फिर से मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट करूंगा, फिर से अपना काम फिर से स्टार्ट होगा। तो अभी मैंने कुछ सोचा कि अभी इतने दिन खाली है तो अभी एजेंसी है नहीं तो अभी हम क्या करें। तो मैंने कुछ अपने इंस्टाग्राम पेजेस स्टार्ट किए, अलग अलग निचेस में मैंने कुछ पेजेस बनाए। जैसे फोटोग्राफी में मेरी एक पेज है, ट्रैवल में मेरी एक पेज है, फिटनेस से रिलेटेड एक पेज बनाया मैंने, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक पेज बनाया और एक मनी मेकिंग मोटिवेशन टाइप का एक पेज बनाया। अभी मैं इन पाँचों पेजों को करीब एक महीने से मैं रन कर रहा हूँ और इस पेज का अभी आपको मैं अपडेट देने वाला हूँ कि कैसे मैंने इन पेजेस को मैनेज किया, कैसे उसकी ग्रोथ हुई और किस किस पेजेस का स्टेटस क्या है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपने अकाउंट पे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि चलिए मैं आपको अपने पेज दिखाता हूँ। तो जो पेज की बात मैं कर रहा था, एक्चुअली ये रही वो पांच पेज, लाइफ विद कैमरा, नोमैडिक, योमैडिक, माइंड योर सोल, माइंड योर बॉडी, मिलेनियस स्ट्रोक। ये पांच पेज अभी मैंने हैंडल करना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट अभी कुछ एक महीना हुआ जब भी मैंने पेज स्टार्ट किया। तो जिस पेज के बारे में मैं बात कर रहा था जिसने 1,000 फॉलोअर्स को क्रॉस किया है सिर्फ 25 दिनों के अंदर, उस पेज के बारे में पहले दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो ये पेज है लाइफ विथ कैमरा। अच्छा, मैं लाइफ विथ कैमरा में ही हूँ। तो अभी आप जैसे ये पेज देख सकते हो, 69 पोस्ट अभी तक हुए हैं, 1018 फॉलोअर्स है अभी मेरे, 513 लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। ये इसके बारे में बायो है, फोटोग्राफी, आर्ट, क्लिक, लाइफ विथ कैमरा, कैप्चर एवरी मोमेंट, DM फॉर शाउट आउट, मेडिटेशन, म्यूज़िक। और उसका लिंक है मेरी यूट्यूब चैनल का, जो मेरी एक दूसरी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं मेडिटेशन म्यूज़िक बनाता हूँ, स्पिरिचुअल म्यूज़िक बनाता हूँ, योगा से रिलेटेड म्यूज़िक बनाता हूँ। तो उस चीज़ को मैं यहाँ से प्रमोट कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हो हाईलाइट्स है, क्लिक क्लिक एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो हाईलाइट के बारे में बहुत सारी तारीफ़ें मिली है मुझे कि बहुत अच्छा हाईलाइट है ये और बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि जब भी कोई पेज के अंदर आता है और उसको ये जब भी ये येलो कलर देखता है तो कहीं ना कहीं ये आंखों को अट्रैक्ट करता है, तो इसके कारण ये हाईलाइट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये भी एक आप देख सकते हो कि एक प्लस पॉइंट हो सकता है लोगों के फॉलो करने के लिए। आप ये बायो से देख सकते हो कि इसमें एक वो बहुत छोटा सा और क्रिस्प बहुत अच्छा इसके बारे में लिखा हुआ है जिसमें वो पेज को पूरा डिफाइन करता है। अभी मैं आपको पोस्ट के बारे में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारे पोस्ट है, ये सारे पिक्चर्स है जिसको मैंने रीपोस्ट किया हुआ है। इसको बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें एक भी पोस्ट मेरी नहीं है, मैंने खुद से कोई भी पोस्ट बनाया नहीं है, मैंने खुद से कोई भी कॉन्टेंट क्रिएट नहीं किया, ये मेरी कुछ क्लिक्स भी नहीं है, ये सारा का सारा किसी और का है जिसको मैं रीपोस्ट करता हूँ। अब आपको अब जैसे ये पोस्ट के बारे में दिखाओ तो यहाँ पे जैसे रीपोस्ट के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप जिसका भी पोस्ट को रीपोस्ट करते हो एटलीस्ट उसको क्रेडिट दिया करो। क्रेडिट मस्ट है, आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि आप क्रेडिट नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं यदि वो उसकी नज़रों में आता है और यदि वो आपको रिपोर्ट कर देता है तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। तो इसके कारण क्रेडिट देना ज़रूरी है, आप क्रेडिट दिया करो। तो चलिए मैं जिस बारे में बता रहा था कि 1,000 फॉलोअर्स को कैसे मैंने गेन किया, इसके आपको एनालिटिक्स दिखाता हूँ मैं। तो भी इनसाइट्स की बात करें, देखो 1138, 506, 449 इस पेज के, इस पोस्ट के इतने इतने रीच गए हैं।
स्टोरीज की बात करें तो सी ऑल स्टोरीज पे मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। स्टोरीज को मैं अभी मेरे को धीरे धीरे उस पर भी ज़्यादा वर्क करना है, तो 15, 17, 16, 17, 24, 22, 20, 32 कभी कभी अच्छे जाते हैं, 42, 44 कभी कभी अच्छे नहीं भी जाते। तो स्टोरीज पे भी मुझे बहुत सारा काम करना है। एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ मैं तो मंडे को 535 पीपल अकाउंट रीच्ड फ्रॉम 19 to 25। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इनसाइट्स में, यहाँ पे रीच 1476, 1476 लोगों ने यहाँ पे रीच किया है। इंप्रेशन 4519 है। इंटरेक्शन आपको यहाँ पे, तो आपको इनसाइट्स में पूरी की पूरी डिटेल पता चल जाती है आपकी, कि आपका अकाउंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन उसको देख रहा है, किस दिन पे आपको ज़्यादा दिख रहा है, कहाँ से लोग देख रहे हैं, किस घंटे में ज़्यादा वॉच किया जा रहा है। तो आपको पूरा का पूरा इनसाइट्स में डिटेल मिल जाता है, जिसके हेल्प से आप पेज को ग्रो कर सकते हो। तो मैंने भी वैसे ही किया है। आपको जैसे ये इनसाइट्स दिख रहा है मेरे, किस दिन मंडे को ज़्यादा है, फ्राइडे को कम है, ट्यूसडे को कैसा है, तो मेरे को हर दिन के हिसाब से इनसाइट्स पता चलता जाती है, जिसके हिसाब से मैं इस पेज पे अच्छा काम कर पाता हूँ। अभी आप प्रोफाइल विजिट देखो, यहाँ पे 267 पीपल हैव विजिटेड दिस प्रोफाइल। तो आप समझ सकते हो कि कितने लोगों ने इसको डेली के हिसाब से इसको प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है वेबसाइट क्लिक, वेबसाइट क्लिक तो ऑलमोस्ट है जो 3 लोगों ने वेबसाइट क्लिक किया है। अभी मैं आपको ऑडियंस के बारे में दिखाता हूँ। देखो ये ग्रोथ ओवरऑल 9 to 17 अप्रैल के बीच में ओवरऑल 41, 13 लोगों ने मुझे अनफॉलो किया, 54 लोगों ने मुझे फॉलो किया है। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 24 तारीख को 18 लोगों ने फॉलो किया है, एक भी अनफॉलो नहीं किया है। यहाँ पे देखो एक फॉलो, 0 अनफॉलो, 11 लोगों ने फॉलो किया, 3 लोगों ने अनफॉलो किया, यहाँ पे 13 लोगों ने फॉलो किया, 4 लोगों ने अनफॉलो किया। तो ओवरऑल ये पेजेस के बारे में है कि कैसे कैसे ये काम करता है। अभी आप कंट्रीज़ के बारे में बात करो तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्की है, टर्की से मुझे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, 42% है। इंडिया का 32% है, इंडोनेशिया 7%, इराक है 1%, यूनाइटेड स्टेट 1% है। उसके बाद सिटीज़ के बारे में बात करें तो मुंबई 16%, इस्तांबुल इज 11%, बुर्सा इज 2%, थाने, अंकारा, तो अलग अलग सिटीज़ है जहाँ से मुझे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। एज रेंज की बात करें तो एज रेंज आप देख लो, 18 to 24 43% है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लोग इस एज रेंज में है, तो जहाँ पे मुझे कंटेंट इस टाइप का डालना चाहिए तो लोगों को अच्छा लगेगा। मेन 73, वुमेन 27। अब ये जो टाइम है, ये टाइम फ्रेम मैं आपको बताता हूँ, ये 9 PM 119 लोग मेरे अकाउंट से इतने लोग एक्टिव रहते हैं इस टाइम पे। तो मैं ज़्यादातर अपने पोस्ट शाम के रात के 9 बजे ही करता हूँ, जब करता हूँ तो ताकि एटलीस्ट मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स एक्टिव रहते, तो उसके कारण भी अच्छा मेरे को रीच मिल जाता है, अच्छा ग्रोथ मिल जाता है। ओवरऑल आपको प्रोफाइल के बारे में दिखाया तो जो सबसे अच्छा जो मेरा पोस्ट काम किया था, ये वाला काम किया था जहाँ पे आप लोगों ने देखा, स्क्रीन साइट दिखाता हूँ, तो 1138 5 लोगों ने इस प्रोफाइल, इस पोस्ट के थ्रू मेरे अकाउंट को विजिट किया, 6 लोगों ने इस पोस्ट को सेव किया है। तो यही, और हैशटैग से देख लो, हैशटैग से 1059 इसका रीच हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं हैशटैग्स काम नहीं करते ना भाई, ये रहा एग्जांपल, हैशटैग्स आर रियली वर्किंग। तो अभी इस पेज को कितने दिन हुए स्टार्ट किए हुए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 31 मार्च को पहला पोस्ट हुआ था, 31 मार्च को पहला पोस्ट है इस पेज का। तो आप देख सकते हो कि 31 मार्च के बाद, और आज का डेट हो गया 26 अप्रैल, ऑलमोस्ट 25 दिन हुआ, जहाँ पे लोगों ने इसको, ये आई मीन जब से ये एक्टिव हुआ है। तो यहाँ पे सारे के सारे पोस्ट आप देख लो, सारे के सारे पोस्ट, इसमें कोई भी मेरे पोस्ट नहीं है, मैं सबका रीपोस्ट ही करता हूँ जैसा मैंने बता चुका हूँ। तो अच्छा है ओवरऑल ग्रोथ, और इस पेज में जैसे जैसे भी ग्रोथ होगा मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो अभी अगर मैं बात करूँ अपने सेकेंड पेज की, तो जो सेकेंड पेज है वो नोमैडिक योमैडिक है। नोमैडिक योमैडिक ऑलमोस्ट 805 फॉलोअर्स हो गए इसके भी, और ये पेज का पहला पोस्ट कब हुआ था, ये भी 30 मार्च को हुआ था, इसके भी 25-30 दिन हुआ। तो इस पेज का भी अच्छा ग्रोथ चल रहा है इस पे, बट अच्छा एंगेजमेंट है मेरे पुराने पेज के कंपेयर। अब आप इसको बायो में देख सकते हो, नोमैडिक वर्ल्ड ऑल अबाउट नेचर ओशन माउंटेंस ट्रैवल शॉर्टआउट पेज वर्ल्ड विद माई कैमरा रिलैक्स एंड म्यूजिक चैनल, जो मेरा यूट्यूब दूसरा चैनल है, मैं वहाँ उसको यहाँ से प्रमोट कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हो इसके भी हाईलाइट, इट्स अ वर्ल्ड इफ नॉट नाउ देन व्हेन, एक छोटा सा कैप्शन है अपील, बट अभी तो पता है अभी तो लॉकडाउन है तो इट्स नॉट वर्किंग दैट वे, बट तो भी अच्छा इसका ओवरऑल ग्रोथ है। आप इस पोस्ट को देखो, ऑलमोस्ट 4837 रीच है इसका,
तो ये पोस्ट ने काफ़ी अच्छा किया है, इसके हैशटैग से ही ऑलमोस्ट 4,500 लोग यहाँ पे पहुँचे, 34 लोगों ने सेव किया, 32 शेयर किए, एक कमेंट है, 298 लाइक्स, 18 पीपल विजिटेड प्रोफाइल, 3 लोगों ने इस पोस्ट को देख के फॉलो किया अकाउंट को। तो आप देख सकते हो ओवरऑल ये बहुत अच्छा काम किया ये हैशटैग्स मेरे लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ जो दूसरा पोस्ट जो मेरे लिए अच्छा काम किया, ये भी अच्छा काम किया, इसमें 3,299 ऑलमोस्ट पीपल रीच, 7 पीपल सेव दिस पोस्ट, 10 पीपल शेयर, 7 कमेंट्स, 160 लाइक, 7 पीपल विजिटेड दिस प्रोफाइल, 98% वॉरंट फॉलोइंग, नो मैटिक यूमैटिक, मतलब 98% लोग तो फॉलो भी नहीं कर रहे थे, वो दूसरे पेज से या दूसरे अकाउंट से हैशटैग से आए यहाँ पे और इन लोगों ने कंटेंट को कंज्यूम किया। बाकी और भी देखो तो बहुत अच्छे अच्छे पेजेस काम कर रहे हैं। एक और था कौन सा, ये भी अच्छा ही काम कर रहा है, 2760 रीच है इसका, तो 94% आपको फॉलो नहीं कर रहे थे, 3 पीपल प्रोफाइल विजिट किए, इससे 2 सेव किए, 4 ने शेयर किया, तो अच्छा है ओवरऑल ग्रोथ इसका भी बहुत अच्छा है। तो आपको चलो मैं इनसाइट्स में लेकर चलता हूँ। तो इनसाइट्स की बात करें तो सी ऑल आप देख लो 4837 3299 1901 2141 4760, तो इस प्रोफाइल में बहुत अच्छा इंगेजमेंट आ रहा है लोगों का, तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा काम कर रहा है। स्टोरीज़ में भी यही हाल है। एक्टिविटी की बात करें तो मंडे 4.6K जो रीच किया था, वेडनेसडे को 1.6K गया था, थर्सडे को 2.6K, फ्राइडे को 2.6K। तो मेरे को और भी सेट्स ऑफ हैशटैग पे मैं इस पर काम कर रहा हूँ, कैसे कैसे काम कर रहा हूँ मैं आगे का आपको वीडियोस में बताते रहूँगा। रीच देख लो 10,957 12 से लेकर 18 अप्रैल के बीच, इंप्रेशन 14,671 इंप्रेशन गया है, 261 पीपल हैव टेकन एक्शन फ्रॉम माई अकाउंट, एक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग लाइक कमेंट शेयर ऑल दिस एक्शन, प्रोफाइल विजिट 260 लोगों ने प्रोफाइल विजिट भी किया, वेबसाइट पे एक लोगों ने क्लिक किया अभी तक। ऑडियंस की बात करें तो डेली मेरे को फॉलोअर्स आ रहे, जैसे 12 लोगों ने फॉलो किया, 1 अनफॉलो किया, 13 लोगों ने फॉलो किया, 1 0 अनफॉलो, 9 पीपल फॉलोड मी, 13 लोगों ने अनफॉलो किया, 2 लोगों ने अनफॉलो किया। कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो 50% इंडिया से ही है, 12% इंडोनेशिया, 4% यूनाइटेड स्टेट, नाइजीरिया, मलेशिया, अलग अलग कंट्रीज से लोग हैं। सिटीज़ के बारे में बात करें तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सूरत, जकार्ता ऑलमोस्ट इंडियाज़ कंट्री टॉप पे है सिटी सॉरी। और यदि एज रेंज की बात करें तो यहाँ पे भी 18 to 24 47% लोग हैं, मैन 77%, फीमेल 23%, और आप जो टाइम देखोगे 12 PM और 9 PM ऑलमोस्ट सेम है मेरे लिए। तो मैं कुछ कुछ पोस्ट 9 बजे भी करता हूँ, कुछ कुछ पोस्ट 12 बजे भी करता हूँ, तो मैं अपने टाइम हिसाब टाइम फ्रेम के हिसाब से कि जब ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं मैं उस टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट करूँ तो ज़्यादा लोगों का रीच होगा। तो आप देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पे भी मैं खुद का कंटेंट कभी डालता नहीं है, सारे के सारे मैंने रीपोस्ट किए हैं। और जैसे आप नाम से पता चला नोमैडिक वर्ल्ड ये पूरी पूरी ट्रैवल है, तो हर जगह हर कंट्रीज़ को, और बाद में यदि एक पेज अच्छा ग्रो हुआ तो इसको मैं धीरे धीरे मोनेटाइज भी करूँगा। तो अभी जैसा है यही है, अभी मैं जो आपको थर्ड पेज के बारे में दिखाता हूँ, माइंड योर सोल, जो मेरी खुद की स्पिरिचुअलिटी के ऊपर पेज स्टार्ट किया था मैंने, माइंड योर सोल, आप बायो में देख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, मिशन टू इंस्पायर एवरीवन, यू आर द क्रिएटर ऑफ रियलिटी, मेडिटेशन म्यूजिक योर, और मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरे हाईलाइट्स में पीस। और अभी तक मैंने इस पर कुछ 107 पोस्ट कर डाले हैं, 225 लोगों को फॉलोअर्स हैं मेरे और 617 को मैंने फॉलो किया है, मतलब यहाँ पे मैं फॉलो टू फॉलो को चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि काम करता है कि नहीं, और जहाँ तक लग रहा है कि थोड़ा काम करता है, ज़्यादा नहीं काम करता। इसकी पहली पोस्ट मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी पहली पोस्ट कब हुई थी, यस दिस इज़ 21st of March, मतलब बाकी जो 2 पेजेस हैं उससे 10 दिन पहले मैंने ये पेज स्टार्ट करा था। अब लेके चलता हूँ आपको इसके इनसाइट्स में कि यहाँ पे इनसाइट्स क्या कह रहा है और इसका ग्रोथ इतना क्यों नहीं हुआ जितना बाकी पेजेस का है। अब सी ओवरऑल देख लो, यहाँ पे जो टॉप की भी पोस्ट है वो 904 ही गए हैं, बाकी वहाँ पे 4,000 5,000 गए हैं, 841 446 413 324, तो मतलब देख लो इसका रेंज उतना ही, अभी 1K भी पार नहीं हुआ, मेरे एक भी पोस्ट 1K के पार नहीं है। एक्टिविटी में वेडनेसडे को ज़्यादा है 547, ट्यूसडे को 484, फ्राइडे को 328, अब इंटरेक्शन की बात करें तो सैटरडे को ज़्यादा है 52, प्रोफाइल विजिट 229, प्रोफाइल विजिट सेम है, जितना उधर भी प्रोफाइल विजिट हो रहा है इधर भी सेम प्रोफाइल विजिट हो रहा है, बट कन्वर्ट नहीं हो रहा फॉलोअर्स में, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। और इस पर और भी मेरे को काम करना है। अब आप जैसे यहाँ फॉलोअर्स देख लो, 23 अप्रैल को एक भी फॉलोअर्स नहीं है,
यहाँ पे देख लो 7 फॉलोअर्स है, यहाँ पे देख लो 12 फॉलोअर्स है, 2 अनफॉलो किए, 11 फॉलोअर्स है, 2 अनफॉलो किए, 11 एक फॉलोअर, 15 फॉलोअर्स, 0 अनफॉलो। तो कभी कभी यहाँ पे भी जैसे फॉलोअर्स नहीं आ रही है, पेज उतना अच्छा नहीं कर रहा जितना नोमैडिक यूमैटिक या लाइफ विद कैमरा कर रहा है। कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, 34% है, इंडिया 17% है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, मलेशिया है। सिटीज़ के बारे में बात करें तो मुंबई, लंदन, फीनिक्स, छपरा, मलक्का सिटी है। तो ये रहा सिटीज़। एज रेंज की बात करें तो 25 से 34 यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के ऊपर है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि 18 से 24 के लोग इसको ज़्यादा कंज्यूम करते होंगे, ऑफ कोर्स वो उसके ऊपर के लोग ही ज़्यादा कंज्यूम करेंगे इसको कंटेंट को। वुमेन यहाँ पे 58% है और मैन 42%, तो फीमेल इंटरेक्शन यहाँ पे ज़्यादा है इस पेज पे। और जो टाइमिंग है 9 PM के हिसाब से, 9 PM को मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स एक्टिव रहते हैं। तो अभी इस पेज पे भी मैं काम कर रहा हूँ, इस पेज पे भी अभी एक महीने से मैंने एक्चुअली इतने सारे पेजेस हो गए हैं, मैं सबको धीरे धीरे देख रहा हूँ कि किस पे कौन सा हैशटैग्स काम करता है, किस पे कौन सा एक्टिविटी काम करे, क्या टाइमिंग। अभी मैं तो सिर्फ अभी टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक के लिए ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, क्योंकि अभी तक जो भी मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ वहाँ पे मैं उनका पेड कैंपेन्स चलाता हूँ, पेड कैंपेन्स हो गए, शाउटआउट्स हो गए, इससे भी ज़्यादा मैं पेज को ग्रो करता हूँ। बट ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होगी इसके थ्रू आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो आप देख सकते हो ये पेज यही है, ये मेरा 3rd पेज है माइंड योर सोल। इसके बाद मैं चलाता हूँ एक फिटनेस रिलेटेड माइंड योर बॉडी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 100 पोस्ट हो चुके हैं, 254 लोग मेरे को फॉलो करते हैं, 525 को मैं, तो फॉलो और अनफॉलो का ट्रिक यहाँ भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं कितना काम करता है। माइंड योर बॉडी फिटनेस मोटिवेशन डाइट डेली फिटनेस कंटेंट ट्रांसफॉर्म योर माइंड एंड बॉडी वर्कआउट म्यूजिक, ये दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं म्यूज़िक बनाता हूँ वर्कआउट के लिए और वो डालता हूँ। तो इसके पहले पोस्ट के बारे में बात करें तो 20 मार्च को हुआ है, 20 मार्च को मैंने पहला मतलब ऑलमोस्ट जब मैंने स्टार्ट किया था माइंड योर सोल उसके साथ ही स्टार्ट किया है। और यहाँ पे भी मेरे कंटेंट खुद के नहीं है, मैंने कुछ कुछ कंटेंट खुद के बनाने की कोशिश की और कुछ कंटेंट मैंने खुद के डाले, बट फिर उतना टाइम नहीं मिलता है कि खुद का कंटेंट बनाओ, तो इसलिए मैं ज़्यादातर रीपोस्ट ही प्रेफर करता हूँ, जिस पोस्ट ने अच्छा अच्छा काम किया है या फिर जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये पोस्ट अच्छा करेगा वो मैं रीपोस्ट करता हूँ। और डोंट फॉरगेट टू मेंशन क्रेडिट, हमेशा बोलता हूँ आप प्रॉपर क्रेडिट दिया करो, प्रॉपर हैशटैग्स यूज़ किया करो। तो चलो इसके इनसाइट्स आपको लेके चलता हूँ, आपको कंटेंट देख लो यहाँ पे। यहाँ पे जो सबसे पहला पोस्ट सबसे अच्छा रीच गया है 2071 1253 1178 921, मतलब कुछ पोस्ट है जो 1000 2000 के ऊपर है, बाकी और सब भी है तो 1K के नीचे ही है। स्टोरीज़ में भी ज़्यादा कुछ एक्टिव है नहीं। एक्टिविटी की बात करें तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अच्छा है, सैटरडे अच्छा है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ के हिसाब से रीच 1499 इंप्रेशन, 3953 इंप्रेशन गया है अभी तक। सैटरडे को बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्शन लिया था इसमें, सैटरडे को 171 पीपल विजिटेड माय प्रोफाइल कुछ दिनों के में। वेबसाइट क्लिक की बात करें तो 1 वेबसाइट क्लिक है। ऑडियंस की बात करें तो 9 फॉलो 1 अनफॉलो, 5 फॉलो 1 अनफॉलो। आज की बात करें, कल की बात करें सॉरी, तो ये फ्राइडे का है सॉरी, 2 दिन पहले का, 3 फॉलो 1 अनफॉलो, यहाँ पे 9 फॉलो 1 अनफॉलो। और यहाँ पे देख सकते हो आप जैसे फॉलो अनफॉलो चल रहा है यहाँ पे, तो अभी यही है। कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया 53, यूनाइटेड स्टेट 12%, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा। सिटीज़ के बारे में बात करें तो बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली सॉरी नो दिल्ली, थाने एंड हैदराबाद, मतलब पूरी की पूरी इंडियन सिटीज़ हैं यहाँ पे। एज रेंज की बात करें तो 52% है जो 25 to 34 के बीच के हैं, 71% मेल एंड 29% वुमन। टाइमिंग की बात करें तो 6 PM और 9 PM इस पर अभी चल रहा है, तो मैं हमेशा देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या बेस्ट टाइमिंग है मैं उस समय पोस्ट करूँ। और एक दिन में मैं ट्राई करता हूँ एटलीस्ट 3 पोस्ट तो मैं करूँ, 3 पोस्ट में भी अलग अलग मैं जैसे बांट देता हूँ कि कभी 2 पोस्ट एक साथ और 1 पोस्ट एक साथ, या फिर कभी तीनों के तीनों पोस्ट एक साथ मैं कर दूँ, तो ऐसे ही ये पोस्ट होते रहते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी पेजेस, माइंड योर बॉडी के बाद हो गया, अभी लास्ट मेरा पेज है मेलेनिस स्ट्रोम। मेलेनिस स्ट्रोम इज़ अ मनी मेकिंग मोटिवेशन पेज,
अभी तक यहाँ पे 121 लोगों ने मुझे फॉलो किया है, 7667 को मैंने फॉलो किया है, 97 पोस्ट मैं अभी तक कर चुका हूँ। अभी आप यहाँ देख सकते हो बायो में मनी मोटिवेशन एंड माइंडसेट गुड वाइब्स ओनली मनी मैटर्स क्लिक हियर इट्स फ्री, क्लिक हियर इट्स फ्री। वहाँ पे कोई लिंक नहीं है क्योंकि जब लोग इस प्रोफाइल को खोजेंगे तो वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा जिसे क्लिक करो और वो फ्री है, तो वो एक कैप्शन मैंने डाला हुआ है। मनी मनी मोर मनी इज़ ऑलवेज बेटर, जैसा आप देख सकते हो मेरी हाईलाइट्स में कैप्शन है। तो यहाँ भी मैं कंटेंट खुद का कंज्यूम नहीं करता हूँ, सॉरी मैं खुद का कंटेंट नहीं बनाता हूँ, मैं दूसरे को कंटेंट को रिपोस्ट करता हूँ, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे। और जो सबसे पहला पोस्ट है वो 29th of February को है, 29th of February मतलब और भी जो बाकी पेजेस उससे एक महीना पहले मैंने ये पेज स्टार्ट किया। बट आप इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देख लो तो 121 काफ़ी कम है, और भी बेटर कर सकता है ये पेज। 145 पीपल विजिटेड इन लास्ट 7 days, आप देख सकते हो। तो चलो इसके भी इनसाइट्स मैं आपको दिखाता हूँ, इसके इनसाइट्स में आपको सी ऑल, मतलब यहाँ पे मेरा सिर्फ एक पोस्ट है जो 1262 जिसकी रीच गई है, 1262 जिसमें एक भी लोगों ने इसको सेव नहीं किया, एक लोगों ने शेयर किया, एक प्रोफाइल विजिट हुआ, 65 पीपल लाइक्ड इट, 2 पीपल कमेंटेड, और जो इसके सबसे अच्छी रीच आई हुआ वो हैशटैग्स आई है जिसमें 1243 हैशटैग्स ही आया है। तो आप देख सकते हो कि ये प्रोफाइल ये पोस्ट उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टू बी फ्रैंक इस निच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सेम टाइप का कंटेंट बहुत लोग बनाते हैं, एक ही टाइप का कंटेंट को लोग रिपोस्ट करते रहते हैं अलग अलग पेजेस पे, तो इसके कारण ये ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं हुआ है। आप इंटरेक्शन की बात कर लो, डिस्कवरी की बात कर लो, मंडे को 314 लोगों ने, थर्सडे को 244, इतने अकाउंट रीच हुए हैं, इम्प्रेशन 2049। आप इंटरेक्शन डेज की बात कर ले तो संडे को 35 पीपल हैव टेकन प्रोफाइल, 145 पीपल हैव विजिटेड प्रोफाइल, बट ज़्यादा लोग कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो अभी और भी इस पर मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, और भी काम करने। अब जैसे आप ग्राफ देख सकते हो, ये बिल्कुल नीचे से थोड़ा हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे 10 लोगों ने फॉलो किया, 2 अनफॉलो किया, 7 लोगों ने फॉलो, 0 अनफॉलो, 7 लोगों ने फॉलो, 0 अनफॉलो, 6 लोगों ने, 5 लोगों ने, 3 लोगों ने, फिर 3 फॉलो, 4 अनफॉलो। तो यहाँ पे फॉलो अनफॉलो का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मैं फॉलो अनफॉलो करता हूँ इस पेज पे और भी बाकी 2 पेजेस पे, बट कुछ कुछ पेजेस में नहीं करता हूँ। तो फॉलो अनफॉलो के कारण ये आपको ऐसे इनसाइट्स देख रहे हैं। अब कंट्रीज़ के बारे में बात करो तो इंडिया में सबसे ज़्यादा 47, यूनाइटेड स्टेट 10, केन्या, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया। सिटीज़ के बारे में बात करो तो मुंबई इज 8%, नैरोबी, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। एज रेंज 18 to 24, क्योंकि ऑफकोर्स इस एज के लोग ज़्यादा पैसे कमाने और मोटिवेशन के पीछे रहते हैं, तो इसके कारण मैन 75, वुमेन 25। टाइमिंग अगेन इज 9 PM पे 38 लोग एक्टिव रहते हैं, तो मेरे लिए 9 PM ही बेस्ट है, मैं सबका पोस्ट 9 PM पे ही करूँ। तो यही है इस पेज के बारे में। तो इस सारे पेजेस का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके खुद देखो पेजेस पे क्या है। और धीरे धीरे मैं भी अभी ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होगा, एक महीना ऑलमोस्ट बीत चुके हैं, कौन कौन से अलग अलग हैशटैग्स हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, कौन कौन से अलग अलग हैशटैग्स के सेट्स बना के रख रहा हूँ, तो उसके हिसाब से भी मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको जैसे जैसे है आपको रिज़ल्ट मिलता रहेगा, आपको मैं बताता रहूँगा कि ओवरऑल कैसा चल रहा है, आप भी जाके देख सकते हो। गाइस यही था इस वीडियो में, और कैसे मैंने अलग अलग पेजेस को एक महीने से मैं चला रहा हूँ, कैसे किसका कैसा परफॉर्मेंस है, कौन सा पेज अच्छा किया, कौन सा पेज अच्छा नहीं किया। और अभी तक मैं ये सारे काम अपने क्लाइंट्स के लिए करता था, क्लाइंट्स के लिए। तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती थी कि पेड प्रमोशन, वहाँ पे मेरे को एक बजट होता था कि मैं अपने इंस्टाग्राम पेजेस को मैं ऐड कैंपेन्स रन कराऊँ, तो वहाँ पे एक ऑल दो अलग एक्सपीरियंस होता था। अभी यहाँ पे सारे के सारे मैं ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस लाना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहता हूँ, और पेज कैसा ग्रो होगा वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, उसका रिजल्ट आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आप बने रहो हमारे चैनल के साथ, आगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाली हैं इंस्टाग्राम के हैक्स के बारे में, इंस्टाग्राम ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में। तो और भी आप बने रहो इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करो, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हिट लाइक करो, एक लाइक करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट किसी और के लिए भी बेनिफिशियल होगा तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इट्स सत्यांश श्रीवास्तव। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप वहाँ पर DM करो, आपको रिप्लाई पक्का मिलेगा। चलो गुड नाइट, मिलते हैं फिर, थैंक यू।